एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशुज एजुकेशन कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। बहुत सारे बच्चे जो जीएनएम कर चुके हैं और अब वो जॉब की तलाश में हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर आती होगी कि अब उन्हें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या पोस्ट बेसिक करने के फ़ायदे होते हैं या फिर जीएनएम और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इक्विवेलेंट है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको उतनी अच्छी जॉब ना मिले जितनी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों को मिलेगी, या उतनी अच्छी सैलरी आपको ना मिले जितनी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों को मिलेगी? तो बहुत सारे डाउट, कन्फ्यूजन, क्वेश्चंस आपके मन में भी होंगे और मैं 100% कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के कोई भी डाउट और क्वेरीज, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे कि दोनों ही कोर्सेज में क्या डिफरेंस है और किन्हें जीएनएम के बाद जॉब के लिए जाना चाहिए और किन्हें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएनएम की। तो देखिए, जीएनएम आफ्टर 12th अगर आपने किया है और अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम नहीं थी 12th में, तो आपने जीएनएम इसलिए चूज़ किया था क्योंकि आपको नर्सिंग फील्ड में जाना था, लेकिन आपके पास क्योंकि साइंस नहीं था, बायोलॉजी नहीं था, इसलिए आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाए। तो इसका एक रास्ता आपने निकाला कि आप जीएनएम कर लेते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट कोई कोर्स आप करें, फिर उसके बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं जिनके पास 12th नॉन बायो था और उन्हें जीएनएम इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं थे। तब आपका एक रास्ता ओपन हो जाता है कि अब आप जीएनएम आपने कर ली है, अब आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि 2 साल का कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बीएससी नर्सिंग करने का मन था या बीएससी नर्सिंग फील्ड में जाना था लेकिन आप नहीं कर पाए, तो फिर आप जीएनएम के बाद डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट वैकेंसीज जो होती हैं वो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वालों के लिए ही निकलती हैं। एंड 80% वैकेंसीज जो होती हैं, जो स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की हो, उसमें ये तीनों ही कोर्सेज की डिमांड होती है और इक्विवेलेंट होती है। ऐसा नहीं होता है कि बीएससी नर्सिंग वाले की पोस्ट ज़्यादा होगी या पोस्ट बेसिक वाले की ज़्यादा होगी, उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, जीएनएम को कम मिलेगी। मैंने काफ़ी जॉब वैकेंसीज की वीडियोज़ बनाई हैं, अपलोड भी की हैं, काफ़ी नोटिफिकेशंस भी पड़े हैं। उसमें क्वालिफिकेशन जो रहता है वो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम रहता है, स्टाफ नर्स के लिए एंड नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जिनकी सैलरी भी सेम होती है और जिनकी डेजिग्नेशन भी सेम रहता है, यानी कि पद भी सेम है और आपकी सैलरी भी सेम है। तो फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने का क्या फ़ायदा? देखिए, सिर्फ यहाँ पर एक डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। जो गवर्नमेंट जो वैकेंसीज होती हैं उसमें बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती, जबकि अगर आपने जीएनएम किया है और आप सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है। तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जीएनएम के बाद अगर 2 साल किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, ट्रस्ट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट में भी जॉब करते हैं, तो 2 साल के बाद आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जिस पोस्ट के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले और बीएससी नर्सिंग वाले एलिजिबल हैं। या तो आप जीएनएम के बाद 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लीजिए या फिर जीएनएम के बाद आप 2 साल जॉब कर लीजिए, आप इक्विवेलेंट ही माने जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, आपने 3-3.5 साल का जीएनएम कर लिया है, अब आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको जीएनएम के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, स्टाफ नर्स बन जाओगे और सेम जॉब में आप भी वही जॉब करोगे जो एक बीएससी नर्सिंग वाला कर रहा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाला कर रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने का अगर आपका उद्देश्य, आपका एम गवर्नमेंट नर्स बनना है। लेकिन अगर आपका एम था बीएससी नर्सिंग करना, फिर एमएससी नर्सिंग करना और नर्सिंग फील्ड में आपको प्रोफेसर लाइन में जाना, पीएचडी करना, तो अगर इस तरह का आपका एम है, आपका ऐसा लक्ष्य है, तो फिर आपको जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आपको मास्टर करना है नर्सिंग में। तो जब तक आप पोस्ट बेसिक नहीं करोगे आप एमएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, और जब तक आप एमएससी नर्सिंग नहीं कर सकते तब तक आप टीचिंग लाइन में नहीं जा सकते हो या रिसर्च नहीं कर सकते हो, पीएचडी नहीं कर सकते हो। अगर आपका एम है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना, चीफ नर्सिंग ऑफिसर बनना, चीफ नर्सिंग एग्जीक्यूटिव बनना
बहुत बड़ी पोस्ट पर आपको जॉब करना, तब आप जेएनएम के बाद पोस्ट बेसिक कर सकते हैं, फिर आप एमएससी नर्सिंग करेंगे, फिर आप पीएचडी करेंगे। इट मीन्स बहुत ही सिंपल से शब्दों में आपको बताना चाहूँगी, अगर आपका एम है ज़्यादा पढ़ना तब आप जेएनएम के बाद पोस्ट बेसिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एम है जॉब करना, गवर्नमेंट जॉब करना, तब आप जेएनएम के बाद डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के। सिर्फ आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और ये सभी में नहीं होता है, हर वैकेंसी में 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, कुछ ही वैकेंसीज में मांगा जाता है। तो अगर आप जेएनएम के बाद 2 साल अपना काम करते हैं किसी नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में, तो बहुत अच्छी बात है, आप एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज को फिल करने के लिए, और आप प्रिपरेशन करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको अराउंड स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो 40 से 45 हज़ार आपको मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको अराउंड 50 to 60 thousand आपका मंथली मिल जाएगा, तो सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है। और यहाँ पर बिल्कुल आपको बीएससी नर्सिंग वाले, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले भी वही जॉब करेंगे, उसी पोस्ट पर करेंगे और आप भी करेंगे। तो सिंपली यही कहना है मेरा, अगर आपका उद्देश्य है गवर्नमेंट जॉब करना तो आप डायरेक्ट जेएनएम के बाद फॉर्म फिल कीजिए, पोस्ट बेसिक मत कीजिए, लेकिन अगर आपका एम है टीचिंग लाइन में जाना, प्रोफेसर बनना, या फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, चीफ नर्सिंग बनना, अच्छी बड़ी पोस्ट पर आपका जाने का मन है, तब आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एक सीढ़ी की तरह है, उसका स्टेप लेंगे, फिर एमएससी नर्सिंग करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, इस तरह से वो आपके लिए जो रास्ते हैं वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, आपने तो सिर्फ नर्स बनना था, गवर्नमेंट नर्स बनना था, तो बिल्कुल आप डायरेक्टली जेएनएम के बाद जॉब कर सकते हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको इंडिविजुअली जेएनएम के बाद पोस्ट बेसिक करना है या फिर आपको जॉब करना है। आप पहले जॉब कर लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में, 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट के प्रिपरेशन कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, और आप गवर्नमेंट नर्स बन जाएंगे। या आपका एम कुछ और है, यानी कि आपको टीचिंग प्रोफेसर लाइन में जाना है या बड़ी पोस्ट पर जाना है, तब आप पोस्ट बेसिक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। देखिए, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा स्टडी नहीं करना होता, जल्द से जल्द स्टडी करके उनको अपने पैरों पर खड़ा होना होता है, ठीक है, जॉब करनी होती है, अर्न करना होता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को डायरेक्ट जॉब करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अब पहले 3 साल की जीएनएम करे, फिर 6 मंथ ट्रेनिंग करे, फिर 2 साल का पोस्ट बेसिक करे, उसके बाद फिर वो एमएससी नर्सिंग करे। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपका मन है कि आप जॉब भी करें जीएनएम के बाद, लेकिन आपका मन है कहीं ना कहीं कि आपको थोड़ा और स्टडी करना चाहिए, तो आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पोस्ट बेसिक कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू का मतलब है आप जॉब भी करते रहेंगे और साइड बाय साइड आपका पोस्ट बेसिक भी चलता रहेगा, लेकिन उसकी ड्यूरेशन फिर 2 ईयर्स नहीं होगी, उसकी ड्यूरेशन आपको 3 ईयर्स होगी, बस आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इग्नू के थ्रू। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कराता है, साल में 2 बार इसके फॉर्म भी निकलते हैं। अगर आपका मन है जॉब नहीं छोड़ने का, साथ ही साथ जॉब भी करनी है आपको और पोस्ट बेसिक भी करना है, तब आप इग्नू से डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो भी 12th में हैं, जेएनएम करना चाहते हैं या पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं, नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चैनल से कनेक्टेड रहिएगा ऐसी ही और हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन है, कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की, आपको रिप्लाई देने की। जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में, टिल देन।